देयर इज नो यूनिटी इन द पाकिस्तान टीम। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया उन्होंने जियो सुपर न्यूज को, जो जियो टीम का कहना है कि यार बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है, कोई खिलाड़ी एक दूसरे की मदद नहीं कर रहा है, कोई खिलाड़ी कप्तान की नहीं सुन रहा है। अब इस तरीके से टीम का सिचुएशन रहेगा, कंडीशंस रहेंगे, जब खिलाड़ी इस तरीके से एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे तो कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत जो है आपको नहीं जिता सकता, कोई भी टूर्नामेंट। पाकिस्तान टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने मजीद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम करने से माजरत कर ली है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंतहाई बुरी शिकस्त खाई है, जैसे उसने दिल बर्दाश्त होकर कहा कि मैं मजीद पाकिस्तान के साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इत्तेहाद नहीं है, कोई कप्तान की इज्जत नहीं करता, कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता, सबको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, लिहाजा मैं इस टीम के साथ काम नहीं कर सकता। इसके मुतालिक भारतीय मीडिया के सहाफ़ी अविनाश आर्यन का रिएक्शन सामने आ गया है। हम आइए हम भारतीय मीडिया के जो है ना रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान के हेड कोच गैरी क्रिस्टन का कहना है कि देयर इज नो यूनिटी इन द पाकिस्तान टीम। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया उन्होंने जियो सुपर न्यूज को, जो जियो टीवी है ना आप लोगों की, उस पर बहुत बड़ा न्यूज दिया है और उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं पाकिस्तान टीम में इस समय क्या कमजोरी है। उसमें जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया बहुत ज्यादा शॉकिंग है, हिलाने वाला है कि यार साफ तौर पर उनका कहना है कि यार बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है, कोई खिलाड़ी एक दूसरे की मदद नहीं कर रहा है, कोई खिलाड़ी कप्तान की नहीं सुन रहा है, सब कोई सेपरेट है, सब कोई अपने मन का मालिक है। फिटनेस स्टैंडर्ड पाकिस्तान टीम का बहुत ज्यादा गिरा हुआ है इस समय, कोई भी बंदा मुझे फिट नजर नहीं आता है। इसके अलावा गैरी क्रिस्टन ने एक और बयान दिया है, उनका यह मानना है कि यूनिटी तो है ही नहीं। दूसरी बात यह भी आ जाती है कि जब इस तरीके से टीम का सिचुएशन रहेगा, कंडीशन रहेंगे, जब खिलाड़ी इस तरीके से एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे तो कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत जो है आपको नहीं जिता सकता, कोई भी टूर्नामेंट नहीं जिता सकता। हालांकि बहुत सारे लोगों को यह बात पहले से ही पता था कि जब कैप्टेंसी वाला कंट्रोवर्सी हुआ था, बाबर एंड शाहीन वाला, जब शाहीन को हटा के फिर बाबर को बना दिया गया, तो यह बात लगातार ड्रेसिंग रूम से निकलकर सामने आ रही थी कि देखिए शाहीन और बाबर में जो है ना बातचीत नहीं हो रही है, बस मतलब भर की बातचीत हो रही है। और अब जाके ये चीज अब जाके पता चल रही है, क्योंकि खुद गैरी क्रिस्टन की तरफ से बयान आया है ना, कोच की तरफ से बयान आया है कि यार फिटनेस तो एकदम इतना ज्यादा बुरा हाल है, यूनिटी नहीं है टीम में, कोई खिलाड़ी एक दूसरे से इतनी ज्यादा बातचीत नहीं है। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान टीम इस समय किस सिचुएशन में है, किस तरीके से खिलाड़ी खेल रहे हैं। कहते हैं ना कि यूनिटी बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपकी टीम में यूनिटी नहीं है, सब कोई अपने लिए खेल रहा है, इवन अपने लिए भी तो नहीं खेल रहा है, अपोजिशन के लिए खेल रहे थे सब कोई, सब अगर अपने लिए भी खेले होते तो शायद तो भी मैच जीत गया हुआ रहता, बट ऐसा नहीं हुआ। अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन टुकड़ों में किया है, लेकिन वो टीम के जीत के काम नहीं आया है। तो ऐसे मैं वही सोच रहा हूं कि बाबर ने कप्तानी कर कैसे ली T20 वर्ल्ड कप पे, जब टीम के ही हालात इस तरीके से रहेंगे तो कर कैसे लिया कप्तानी भाई, ये तो और भी ज्यादा शॉकिंग नहीं। गैरी क्रिस्टन का कहना है कि जितने महीने मैंने पाकिस्तान टीम के साथ काम किया, अगर यही मैं आईपीएल में काम करता तो मैं इससे ज्यादा पैसा कमाता और जो है ना मैं इससे अच्छी खासी इनकम हासिल करता। आइए मजीद सुनते हैं। टीम में भी बहुत ज्यादा कैप्टनसी के लेकर मसले थे, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि इंडिया की जर्सी पहने और जानबूझ के मैच हार जाए, ऐसा आज तक नहीं हुआ भाई, कभी भी नहीं हुआ। पाकिस्तान टीम में ये नया नया ड्रामा आता ही रहता है, बनता ही रहता है, होता ही रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब आपकी टीम ही इतनी ज्यादा, आप टीम के भीतर खिलाड़ियों के बीच में इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स होंगी, लॉबिंग चलेंगी, ग्रुपिंग चलेंगी, तो कहां से आप कोई भी कप्तान या कोई भी कोच आपको मैच या टूर्नामेंट जितवा के नहीं दे सकता है। और ये तब हुआ जब मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम ये अंदर आए टीम के, शाहीन अफरीदी का अलग ग्रुपिंग बन गया, उसके बाद रिजवान का अलग, बाबर का अलग, बाबर में कुछ प्लेयर्स उधर, रिजवान की भी अलग, रिजवान भी कम थोड़ी है और आपके शाहीन अफरीदी भी, तो ये तमाम इन चीजों से टीम का कभी भी भला नहीं हो सकता है। और जब तक ये लॉबिंग खत्म नहीं होगा, ग्रुपिंग ये खत्म नहीं होगा, तब तक आप ये बात तो भूल ही जाओ कि पाकिस्तान कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतने वाला है, भूल ही जाओ आप। और गैरी क्रिस्टन ने यहां भी बोल दिया है कि आने वाले टाइम में अगर उन्होंने देखा कि किसी भी प्लेयर्स का फिटनेस ठीक नहीं है तो सीधा टीम से बाहर जाएगा, सीधा टीम से बाहर जाएगा। काकुल में जो ट्रेनिंग करवाई उससे क्या फायदा मिला, कुछ फायदा नहीं मिला आपको, कोई फायदा नहीं मिला उससे। तो देखिए अब कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि गैरी क्रिस्टन अपनी जॉब बचाने के लिए ना इस तरीके का बयान दे रहे हैं, सारे खिलाड़ियों पे वो ठीकरा फोड़ रहे हैं। ओ भाई साहब, गैरी क्रिस्टन को कितना, जितना तुम 12 महीने में पे नहीं करोगे उससे ज्यादा 3 महीने आईपीएल में गुजरात टाइटंस के साथ वो कमा लेता भाई। गैरी क्रिस्टन को पैसे की किल्लत है, क्यों जाके वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग करेगा, वो पता नहीं कैसे वो कोचिंग ले भी लिया बंदा, उससे ज्यादा तो वो गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल में कमा लेता भाई।